गाइस, तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन बिकॉज मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है आज की. सो हाय गाइस, सो आई एम बैक. अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन बिकॉज मेरे को कुछ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है आज. टुडे इज संडे एंड आई हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, सो आई हैव टू गो टू द ट्यूशन. अभी मैं ट्यूशन जा रही हूँ एंड मैंने आप लोग को बताया नहीं, सॉरी ब्लॉग के स्टार्ट में, बट या तो मेरे को मैथ्स पढ़नी है आज एंड मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं मैथ्स की है बिकॉज बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो फटाफट से आई हैव टू रश देयर. एंड आने के बाद मैं आई सी व्हाट आई ईट बिकॉज मैं वैसे तो मैं खा कर ही आ रही हूँ, बट देन आई सी व्हाट आई विल ईट आने के बाद में. सो नाउ लेट्स गो. ओके गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस अबाउट दीज बुक्स बाय ओसवाल. ये है ओसवाल बुक्स की सीबीएसई 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बुक. अब मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या क्या इस बुक के अंदर आप लोगों को मिलेगा. तो ये क्लास 10 की बुक्स हैं. यहाँ पे मेरे पास जो दो सब्जेक्ट्स इस टाइम है वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस. ये दो सब्जेक्ट्स मेरे पास इस टाइम है. आई बी शोइंग यू गाइज अंदर से. सबसे पहले ये तो काम करते हैं ना, मैं अंदर से आप लोगों को साइंस की बुक या दोनों ही दिखा देती हूँ. चलो तो पहले मैथ्स देख लेते हैं अंदर से, फिर साइंस देखते हैं. तो इससे पता आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के इसमें सैंपल पेपर्स किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो आई एम श्योर आप लोगों को ये वाली बुक्स काफी हेल्प करने वाली है बिकॉज अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए ना, बहुत 90 प्लस या कुछ, तो आई थिंक दीज बुक्स आर ग्रेट फॉर यू बिकॉज इसमें आपकी ना रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी. इसमें सैम्पल पेपर्स दिए ही आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक. नाउ लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज इनसाइड इट. तो चलो देखते हैं कैसी बुक है ये अंदर से. नाउ दिस इज द मैथ्स बुक. बाहर से ऐसी है, पीछे से ऐसी है ये बुक. सो इस तरीके से आपको इधर मिल जाएंगे सीबीएसई सॉल्व पेपर्स. ये रहे सारे सीबीएसई के सॉल्व पेपर्स. अगर आप लोग ध्यान से देखो फिफ्थ क्वेश्चन को, तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे आपको आंसर भी मिला हुआ है. ये सारे आंसर्स आप लोगों को इसमें दिए हुए हैं. एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये सॉल्व पेपर्स हैं. तो दिस बुक इज रियली रियली हेल्पफुल एंड आप लोग डेफिनेटली ये वाली बुक खरीद सकते हो. सेम चीज है साइंस में भी, ओसवाल बुक्स की जो हमारी साइंस की सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक है. ये जो क्वेश्चन नंबर 32 दिया उसके नीचे आप लोगों को आंसर भी दिया है, विच आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि ये सारे आंसर्स जो भी लिखे हुए हैं, ये आंसर्स आप लोगों को बेसिकली बोर्ड के पेपर में से दिए हुए हैं कि बोर्ड में किस तरीके से लिखना है. तो ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं बिकॉज क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर है और वो भी बोर्ड वाले आंसर है. तो सबसे चीज मुझे इस बुक के बारे में ये लगती है कि इधर ना हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं. तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हैं, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के हैं. आगे अगर आप देखो तो आगे आप लोगों को इधर मिल जाएगा रिप्रोडक्शन चैप्टर के, उसके नीचे आपको मिल जाएंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के. सारे माइंड मैप्स आप लोगों को इधर मिल जाएंगे. आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली बाय दिस बुक. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो मैं आप लोगों को आज का प्लान बता देती हूँ क्या है यहाँ एक जगह खड़ी रहकर. तो बेसिकली अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन फॉर माई एक्स्ट्रा क्लास, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. हियर इज माई बैग यरा एंड मैं जा रही हूँ. एंड मैं उठते के साथ ही आई डिड ब्रश माई टीथ बट देन आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट बिकॉज मैं इतनी जल्दी में थी ना. आई हैड टू पुट माई पाउच इन माई रजिस्टर इन, सो आई फॉरगॉट दैट बट आई एम सॉरी फॉर दैट. बट अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन, ठीक है. और ट्यूशन जाने के बाद में लाइक सोसाइटी में ही मेरी ट्यूशन, तो ज़्यादा मुझे बाहर नहीं जाना. सो अब मैं जा रही हूँ एंड उसके बाद मैं आई सी व्हाट आई विल डू बिकॉज दिन संडे है, तो थोड़ा मैं चिल भी करूँगी, ठीक है. तो चलो लेट्स गो एंड आई सी यू गाइस, बाय. ओके गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द ट्यूशन और अब मैं जा रही हूँ अपनी टेरेस पर बिकॉज यू नो व्हाट, मेरा मन कर रहा था कि मैं ऊपर टेरेस पर जाऊँ एंड मैं थोड़ा सा ठंडी ठंडी एयर में ब्रीद करूँ एंड थोड़ा आप लोगों को दिखाऊँ बिकॉज बहुत अच्छी प्यारी सी फॉग हो रही है. तो आई शो यू गाइज. एंड या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सुपर टायर्ड, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे एंड चलो लेट्स गो. आप ऊपर पहुँच गए हैं, चलो. देखो गाइस, इतनी सुंदर टेरेस हो रही है. हैव अ लुक एंड फॉग. देखो भाई दूर फॉग, देखो दूर दूर तक फॉग है.
ठीक है, ऊपर आ गई हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ ना गर्मी है, मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ी ठंडी हवा चलती होगी, बट बहुत गर्मी है ब्रो, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई स्टिल कीप माई फोन हियर एंड आई विल रिकॉर्ड, बिकॉज यू नो वॉट, I'm gonna record every single thing I'm gonna do today. Hi guys, so I am at the terrace and even a bag hai. Bag mein idhar rakh rahi hu to breathe in some fresh air. Jo bhi mujhe lag nahi raha hai mujhe milne wali hai, because bahut garmi ho rahi hai idhar. Mausam itna suhana aage nahi aata mujhe, main shayar nahi hu aur na hi mujhe shayariyan aati hain. But I am at my terrace and बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है. What I expected, it is not like that. और इसीलिए बोलते हैं guys, कुछ expect मत किया करो, नहीं तो जो निकलता नहीं है ना outcome, फिर अच्छा नहीं लगता. तो अब मैं घर जाने का सोच रही हूँ, because I don't think मुझे इतना ज़्यादा time terrace पर spend करना चाहिए, ना मेरा मन कर रहा है spend करने का भी, because मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, मैं बहुत देर तक पढ़ कर आई हूँ एंड आई एम वेरी टायर्ड एज वेल. तो मैं नीचे जाके चना जोर गरम बनाऊंगी, दैट आई एम थिंकिंग आई विल मेक, सो लेट्स गो एंड हैव चना जोर गरम. नाउ आई एम गोइंग डाउन और टेरेस से. गाइस, जब आप टेरेस पर आते हो ना, तब आपको ना लिफ्ट ऊपर से नहीं मिलती है, यू हैव टू वॉक डाउन स्टेयर्स एंड देन यू गेट द लिफ्ट. लिफ्ट में ऑलरेडी कोई चला जा रहा था, मैं जैसा मैं वॉकिंग करके जा जाती हूँ, बिकॉज लिफ्ट ऑलरेडी कोई जैसे ही कोई एंटर किया दरवाजा लिफ्ट बंद होगी, तो मैं वॉक करके जा जाती हूँ, इट्स इवन बेटर आई थिंक. ओके, आई डोंट नो व्हाट फ्लोर इज दिस, बट ठीक है, लेट्स कीप वॉकिंग, बिकॉज मैं अपने ही ब्लॉक में हूँ बाय द वे. लिफ्ट वो अपनी जो टेरेसेस हैं वो हर ब्लॉक में है, बट मैं अपने ही ब्लॉक में हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि जब मैं ट्यूशन से आऊँगी तो मैं डायरेक्ट अपने ही ब्लॉक वाली लिफ्ट में चली जाती हूँ, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. आई थॉट दैट विल बी बेटर एंड इट्स ऑलरेडी बेटर, आई नो. और यहाँ पे प्लांट्स देखो गाइज, यहाँ प्लांट्स कितने सारे हैं एंड आई लव प्लांट्स. मेरे पापा को प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू नो मतलब उनको अच्छा लगता है वो प्लांट्स लेकर आए, वॉटर करें प्लांट्स को, सो या और उनकी वजह से मुझे भी अच्छे लगने लगे हैं, बिकॉज पहले हम इतने प्लांट्स रखते नहीं थे हम तो बाद में, बट बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी बालकनी होती नहीं थी कि हम रखें, वहाँ जितने रख सकते थे वहाँ पर भी रखते ही थे, बट यहाँ पर आने के बाद हम ज़्यादा रखते हैं दिल्ली में आने के बाद, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है. एंड हमारे जो भी प्लांट्स हैं ना, वो हिबिस्कस एंड ऑल दोज टाइप ऑफ फ्लावर्स. गाइस, मेरी लिटरली बालकनी में आपको ये सारे वो मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, वो जो सो गुड. ठीक है, तो मैं पहुंच चुकी हूँ, आई डोंट नो कौन सा फ्लोर है, या सेकंड फ्लोर है. गाइस, आई एम सुपर टायर्ड, आई जस्ट अप्लाई माय लिप ग्लॉस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और अब मैं जा रही हूँ टमाटर काटने, बिकॉज चना जो एकदम स्कूल रेस्क्यू. Hi guys, so I'm in my kitchen and one second, Melo बहुत ज़्यादा barking कर रहा है. Melo no. अभी ना क्या होता है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, है ना, जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं चना चूर गरम खा लेती हूँ, बिकॉज वो ना लाइक मेरा एकदम मेरी थेरेपी सी हो जाती है उसको खा कर. आई लव इट. तुम लोगों को बोल देती ना कि अब मैं पूरा दिन व्लॉग करने वाली हूँ, या मेरा पूरा डे इन माय लाइफ है, मैं डे इन माय लाइफ वीडियोस में भी क्यों पढ़ती हूँ, तुम लोगों को लगता है पूरा दिन पढ़ती हूँ तो वीडियो भी पूरा पूरा पढ़ने की आएगी, ऐसे थोड़ा ना होता भाई. मेरी भी जिंदगी है, मैं भी तो अपने पढ़ाई के अलावा और 100 काम करूंगी, पर तुम लोगों को मैं बताती तो मैं क्या कर रही हूँ पढ़ने के साथ साथ, तो फिर ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं पढ़ने का नहीं खाती, ऐ वही सोचते रहते हो कुछ भी. Hi guys, I came back after a while. I know that मेरी घर की लाइट चली गई है, ये ऐसे होता है कभी कभी लाइट चली जाती है जो बहुत गुस्सा चढ़ता है फिर, बट लाइट चली गई है एंड मैं ऐसी गर्मी में बैठी हुई हूँ. ठीक है, और मेरे रूम में मेरा कपड़ों वाले स्टैंड रखे हैं जो मम्मा ने रखे हैं, वो कपड़े सुखाने थे, और दो दिन पहले मेरे रूम की सफाई हुई थी, दिवाली वाली सफाई, तो दिवाली की सफाई हुई थी तब स्टैंड बांटने आ रही है. बट दैट्स नॉट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिकिंग बुक दैट आई गॉट एंड ओ माई गॉड, इट्स सो गुड,
मतलब मैं इतनी इजीली बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं इतनी इजीली प्यार नहीं करती हूँ बुक्स से, मैं इतनी इजीली वो वाली बुक्स जो आपकी नॉवेल्स एंड ऑल होती है, इतनी जल्दी मुझे अच्छी नहीं लगती कोई भी बुक्स, बट दिस बुक, ओ माय गॉड, मैं ना ऐसी वाली बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, ऐसी लाइक जो भी बुक्स होती हैं लाइक ऐसी पढ़ाई टाइप्स की, वो मुझे ना ऐसे लगता है मैं पढ़ ही रही हूँ, लाइक आई एम स्टडिंग, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पढ़ने में भी वही आता है, बुक्स में भी वही आता है. But I got a romance novel and this is the one I got. Are you guys ready to see the book? 3, 2, 1. Oh my god. This is the book that I'm talking about. It's so good. अभी तो मैंने शुरू ही करी है बुक, इसमें थोड़े से पेजेस ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़े से, इससे भी कम पेजेस पढ़े हैं, बट ये बुक इतनी अच्छी है, इट्स रियली अ 10/10 फ्रॉम माई साइड, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, बाकी पूरी खत्म करने के बाद पता चलेगा, बट आई एम गोइंग टू बी फिनिशिंग दिस बुक. ठीक है, ये वाली बुक, इट्स अ रियली रियली गुड बुक, द अमेरिकन रूममेट एक्सपेरिमेंट, और दिस बुक इज बाय एलिना आर्मास, सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करी हूँ, बट ये बुक बहुत अच्छी है. अभी जैसे मैंने शुरू करी है, इट हैज एवरीथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम अ बुक, इट हैज इट ऑल. तो या ये मेरी ये बुक है, मैंने अभी रिसेंटली ये ली, आज ही ली है एक्चुअली, आज ही आई है, तो मैंने ये बुक ली थी, एंड चलो अब इसको मैं फिनिश करूंगी. सो आई गेव माई रूम अ मिनी मेक ओवर, जो मुझे काफी टाइम से देना था, बट आई वॉजंट एबल टू गिव माई रूम अ मिनी मेक ओवर, बट आई फाइनली गेव इट. आई विल शो यू गाइज माई रूम, चलो देखते हैं. आर यू गाइज रेडी? 3, 2, 1, गो. वाओ, माय रूम लुक्स सो प्रिटी. ओके, ये देखो, मैंने अभी लाइक मिनी मेक ओवर किया मेरे रूम का, बिकॉज बहुत ही गंदा हो रहा था, आप लोगों ने देख लिया कैसा हो रहा था. ये है मेरी कबर्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाती है फेरी लाइट्स जो मैंने लगाई हैं, स्टिकी नोट्स हैं जिनके ऊपर मुझे अभी कुछ ना कुछ लिखना है, मेरा लाइक मेरा टू डू लिस्ट एंड वट एवर अ वर्क आई हैव टू डू और सम मोटिवेशनल कोट्स एंड ऑल. इधर मेरा बेड आ जाता है. मेरे बेड पर मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ पर जो चादर है ना, ये मेरी फेवरेट है बेडशीट, मामा की भी फेवरेट है, लेकिन ये जो है ओढ़ने वाली ब्लैंकेट पतली सी, ये ब्लैंकेट मुझे बताना था कि दोनों जो है आपस में मैच नहीं होते, अलग अलग कलर्स हैं, अलग डिजाइन है, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं भाई, और इतनी ठंड लगती है कभी कभी, तो शाम में तो बहुत ठंड हो जाती है दिल्ली में, तो आप लोगों को पता है कैसी सर्दी आती है, एकदम तेज वाली, तो इसलिए मैंने रखी हुई है. दो इमोजी पिलोज जो मैंने अभी ऑनलाइन खरीदे हैं रिसेंटली, मेरा पिलो, मेन पिलो, एंड दिस माई बेड. और इधर आ जाएं तो इधर है मेरे पास मेरी टेबल, माई स्टडी टेबल, जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रोमांस नॉवेल्स आ जाती हैं. इधर आ जाते हैं मेरे पेन्स, यहाँ सारे मेरे हाइलाइटर्स हैं, स्टेपलर है, ग्लू है, फैन वाला रिमोट है, मेरे फैन का रिमोट है, मुझे फैन नहीं होना होता खड़ा ऑन करने के लिए, हैव माई रिमोट. और उसके बाद हैव टू बुक्स विच आर बाय ओसवाल, ये रही मैथ्स और साइंस की बुक्स, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक्स हैं बाय ओसवाल. एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाता है मेरा पाउच, माय पेंसिल केस, माय मैथ्स की एनसीईआरटी, ठीक है, अभी मैं मैथ्स ही पढ़ूंगी, एंड ये मेरा रजिस्टर जहाँ मैं मैथ्स की अपनी ये पॉलीनोमियल्स की प्रैक्टिस करती हूँ. सो जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो कितनी प्रैक्टिस करी हुई है ना. सो या दैट्स अबाउट इट, एंड या दैट्स ऑन व्हाट्स दैट इज लिटरली इट. ये सारी मेरी चीज़ें टेबल पर रखें. इधर आ जाती है मेरी असाइनमेंट्स, इसके अंदर मेरी असाइनमेंट्स है, ये मेरा आईपैड है, ये मेरे हेडफोन्स हैं, ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है. और ये मेरी टेबल है, प्रॉपर स्टडी टेबल. एंड इधर आ जाती है मेरी चेयर विच इज अ मैंडेट, ठीक है, मैंडेटरी. एंड ये मेरी जैकेट है, क्योंकि ठंड हो रही है, अगर मैं बाहर जाती हूँ शाम में रात में, तो आई हैव टू टेक इट विथ मी ऑलवेज. दिस इज माई बुक्स वाला शेल्फ, जिसमें बुक्स तो नहीं है, बट हाँ हम शो पीसेस रख देते हैं. एंड देन या दैट्स अबाउट इट. ये यहाँ मेरा बैग है, यहाँ कुछ रेडी होने का बेसिक स्टफ है, बेसिक फॉर माई बेसिक नीड्स. एंड इधर आ जाए तो यहाँ पर ना मैंने अपने बैग्स लगाए हुए हैं. नाउ ये वाला बैग मैंने लिया था मॉल से, आई गॉट दिस वन फ्रॉम अ मॉल, एंड इट्स सो गुड, आई एब्सोल्युटली लव इट. और यहाँ पर आ जाता है मेरा क्लचर, जो होता ही है हमेशा इस बैग की स्लिंग में, हमेशा ये वाला क्लचर लगा होता है. एंड देन यहाँ पर आ जाता है मेरा सेकेंड बैग जो मैंने रजौरी से लिया था. उसके नीचे आ जाते हैं मेरे स्केचर्स के शूज, दीज आर माई फेवरेट वंस, ये लिमिटेड एडिशन थे, सो आई गॉट दीज वंस. एंड उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है मेरा गिटार, जो मैं बहुत कम प्ले करती हूँ बिकॉज ऑफ पढ़ाई एंड ऑल, 11th में मैं ये सब कुछ करूंगी, बट अभी मेरा गिटार है, कभी कभी मेरा मन करता है तो आई डू प्ले इट, एंड आई लव लर्निंग गिटार्स, तो या वो मैं कभी कभी लर्न करती हूँ. एंड यहाँ पे आ जाता है मेरा ट्राईपॉड,
बोथ ऑफ माई ट्राईपॉड्स आर हियर. एक्चुअली मेरे पास तीन और ट्राईपॉड पड़े हैं छोटे वाले, वो मेरे ड्रॉअर में है. यहाँ मेरी बुक्स वाली कबर्ड है जहाँ सारी बुक्स एंड ऑल है, ठीक है. और इधर है मेरा क्या बोलते हैं इसको, मेरी कपड़ों वाली कबर्ड है. इसमें मेरे सारे कपड़े हैं और सबको जब भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती, सॉरी, बट ठीक है, ये मेरी दोनों कबर्ड्स है. एंड या दैट इज ऑल अबाउट माई रूम भाई. देखो दिस इज माई रूम, दैट्स ऑल अबाउट इट. यहाँ हाँ, यहाँ मेरा ड्रीम कैचर है. हाउ कैन आई फॉरगेट इट, हियर इज माई ड्रीम कैचर, बिकॉज मेरा बेड इधर है तो मेरा ड्रीम कैचर इधर है. सो या दैट इज इट फॉर दिस मिनी रूम टूर गाइज. अब स्टडी व्लॉग होगा तो इन्जॉय करो, ठीक है. पढ़ूंगी आज क्योंकि इकोनॉमिक्स पता नहीं मैंने लास्ट कब किया था, तो आज इकोनॉमिक्स मुझे करना है. मेन पता है सोशल साइंस का अब मुझे लग रहा है, बिकॉज सोशल साइंस मैंने कहा 4 सब्जेक्ट्स एंड इट्स वेरी हेक्टिक सब सारे सब्जेक्ट्स को करना, बट स्टिल मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मैं करती हूँ. सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स पर आ जाते हैं. मेरी मैथ्स हो गई है, आई डिड पॉलीनोमियल्स वाला चैप्टर अच्छे से किया है. एक्सरसाइज 2.2 या पूरी हो गई है मेरी अच्छे से एकदम परफेक्टली, सारे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब मैं करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं बता देती हूँ तुम लोगों को. पहले मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाली हूँ एंड मैं नहाकर आ चुकी हूँ, जो तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. एंड अब आई एम गोना सिट डाउन टू स्टडी अगेन विच इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठूंगी. सो या चलो स्टडी करते हैं. तो मेरा भी जस्ट दिमाग में आया गाइस कि मेरे को ज्योग्राफी में ना मैप्स गो थ्रू करने थे एंड मेरा ज्योग्राफी में ज़्यादा मैथ्स एंड ऑल का काम है और प्लस मुझे ज्योग्राफी में कुछ असाइनमेंट्स भी मिली है जो मुझे अभी कंप्लीट करनी है. तो ये मेरी कुछ असाइनमेंट्स हैं, जैसे ये वाली हिस्ट्री की असाइनमेंट है, ये वाली फिजिक्स की असाइनमेंट है, ये वाली असाइनमेंट जो है ये है ज्योग्राफी की, ये असाइनमेंट पॉलिटिकल साइंस की है, ये वाली पॉलिटिकल साइंस अगेन वो दिख नहीं आ रहा ब्लर हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इकोनॉमिक्स. तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, आज मैंने मैथ्स और ज्योग्राफी किया है. एंड या अभी मतलब फिलहाल मैं ज्योग्राफी की अपनी असाइनमेंट कर रही हूँ. अच्छा गाइज, एक चीज़ विच आई वांटेड टू मेंशन, ये वाली असाइनमेंट जो मैं कर रही हूँ इसमें ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एडेड हैं, तो यही क्वेश्चंस मैं ओवर एंड ओवर अगेन कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरा ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाए. सो येस, दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद द असाइनमेंट ऑफ द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो ये वाला चैप्टर की असाइनमेंट्स मैंने करी है, मैं बुक की रेफरेंस ली बिकॉज ये एक ओपन टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस थी जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक खोलकर प्रैक्टिस करी, आंसर्स निकाले हैं. आपको आंसर्स भी ढूंढने आने चाहिए, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट इज़ ऑल आई डिड टुडे. अगर आप लोगों को लग रहा है डी आज आपने थोड़ी सी देर मैथ्स पढ़ा, थोड़ी सी देर ज्योग्राफी पढ़ा, तो नहीं गाइस, बहुत देर तक पढ़ा है. बट द थिंग इज़ कि मैं पूरा वीडियो में नहीं ले पाती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं लेती हूँ. एंड ऑल्सो मैंने क्या किया है, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए लंबी रखी है बिकॉज इतने टाइम्स यू गाइज हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी फॉर अ लॉन्ग वीडियो. सो हियर इट इज़. डू लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. इफ़ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबिंग इज टोटली फ्री गाइज एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एज आई ऑलवेज से. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, आई एम श्योर यू गाइज विल नेवर रिग्रेट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैं बेस्ट में बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. एंड मैं कोशिश करती हूँ अपनी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ. सो येस, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई लव यू guys so much and I will see you guys in my next video. Bata dena comments mein aur kaun si videos aap log dekhna chahte ho and wahi main banaungi, banane ka try karungi. Do like this video, share it with all your friends and yeah, I love you guys so much. Do subscribe to my channel, niche red color ka subscribe ka button hoga, do click it and yeah, bell icon bhi daba dena taki aap log mere channel par se kabhi bhi koi bhi nayi video aaye to wo miss na kare. So yes, I love you guys so much and I will see you guys in my next video. Bye.